मुस्तदरक के अंदर एक हदीस मौजूद है, हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था सहाबा किराम अली मुरिदवान में से कि अम्मा जी नबी पाक के अखलाक किस तरह के थे, तो फरमाने लगी कुरान मजीद ही रसूल पाक के अखलाक हैं। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उस शख्स से कहने लगी चाहे तो सूरह मोमिनून पढ़ लो। तो उन्होंने ये इब्तदाई आयात सूरह मोमिनून की जब तिलावत की तो हज़रत आयशा फरमाने लगी यही तो मेरे नबी पाक के अखलाक हैं और यही वो आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बंदा मोमिन से तकाजा किया है कि अगर वो जन्नत का वारिस बनना चाहता है, जन्नत वो जगह है जहाँ रसूल करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब भी मिलेगा और रब करीम की ज़्यारत भी नसीब होगी, वो मकाम फलाह, वो मकाम कामयाबी, वो मकाम जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी रिजा नाजिल फरमाएगा, उस मकाम का नाम मकाम जन्नत है। तो इस सूरह मुबारका की इब्तदाई आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन सिफात का तज़करा फरमाया है कि अगर वो सिफात हम अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाएँ, माना यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वारिस बना दिया है। बड़े गौर के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता कद अफलहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, वो जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, खुशू के साथ, आजजी के साथ, इनकसारी के साथ, ज़ौक के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिदून, और वो जो बेहूदा बातों से मुंह फेरने वाले, लघवियात से अपना रुख फेरने वाले संजीदा लोग। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर ये कि अपनी बीवियों पर, औ मा मलकत अईमानुहुम, या अपनी शरी बांदियों पर, उस ज़माने में जो लौंडी ख़रीदी जाती थी उससे भी वती करना जायज़ था, अगरचे अब लौंडियाँ मौजूद नहीं हैं तो ये फ़ेल भी मौजूद नहीं, सिवाय अपनी बीवियों पर या शरी बांदियों पर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया जो ये काम करे उस पर कोई मलामत नहीं है, अपनी बीवी के पास शरी तरीके से जाए या बांदी के पास जाए। फ़मनिबतगा वरा ज़ालिका, और जो आदमी इसके बाद इस हद से बढ़े, इसके सिवा कुछ और करे जो बंदा, फरमाया फ़ाउलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं, जो लौंडियों और बांदियों के अलावा, अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं जिनमें ये खूबियाँ आ गईं। मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू वज़ू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाजों के मुहाफिज़ हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाते हैं औलाइकहुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज़ के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसून अल-फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं, ये लोग हुम फीहा खालिदून, और फिरदौस से जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा ही जन्नत में रहेंगे। ये आयात अल्लाह का मुतालबा भी है, ये आयात सहाबा अहले बैत औलिया अल्लाह उन तमाम की सीरत का अक्स भी है, और सबसे बढ़कर सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं यही तो आयात हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हें मदीने वाले के अखलाक भी समझ में आ जाएगा।